देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण स्तिता नमस्तस्ये 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 नमो नमा या देवी सर्वभूते शु स्मृति रूपे न स्तिता नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमस्तस्ये नमस्त नमो नम सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं और यह नवरात्रि का महोत्सव आप सभी के जीवन में आनंद को सुख को समृद्धि को अनेक प्रकार की खुशहाली को उत्पन्न करने वाला बने नवरात्रि का यह पर्व शक्ति जागरण का पर्व है और वह शक्ति दो रूपों में हैं शिव मंगल में है कल्याण करने वाले शक्ति वह ऊर्जा है जिससे वह कल्याण प्राप्त होता है तो हम सब के जीवन में शक्ति का ही सब कुछ प्रभाव है कणकण के अंदर विराजमान ऊर्जा शक्ति का ही रूप है यही शक्ति है जो बीज के अंदर अंकुरण शक्ति बनती है यही अग्नि में दीप्ति बनती है पुष्प में खुशबू बनती है कोमलता बनती है चंद्र में उसके चंद्रिका बन जाती है हवा में यही स्पर्श बन करके चलती है तो तरह तरह से हम इस शक्ति को देखते हैं दुर्गा सप्तती में अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता लक्ष्मी के रूप में भी यही शक्ति विराजमान है लक्ष्मी को जो माना गया है वो सोलह रूपों में माना गया है वैसे तो आठ भाव कहे गए हैं लक्ष्मी माता के उसमें सत्य लक्ष्मी भी है योग लक्ष्मी है भोग लक्ष्मी है काम लक्ष्मी है अमृत लक्ष्मी है मोक्ष लक्ष्मी भी है विद्या लक्ष्मी भी है लेकिन लक्ष्मी जो है वो धन संपदा है क्योंकि आपका धन भी आपको धन्य करे आपकी विद्या भी आपके लिए धन बन जाए और आपका चखना भोग भोगना भी आपके जीवन का धन बने धन्य करे। ये नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य को रोग से युक्त होकर स्वास्थ्य को खराब कर लें और आपके पास में आरोग्य लक्ष्मी ना हो वैभव लक्ष्मी आपके पास ना हो संतान लक्ष्मी आपके पास ना हो आपके पास सब प्रकार की संपदा होनी चाहिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है ये ताकत इस रूप में आए कि लक्ष्मी कहा जाता है कि किसी के पास चल रूप में जब आती है तब व्यक्ति को अचल संपदा बनानी चाहिए थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते अचल संपदा बनाए जब करंट की तरह से प्रवाह की तरह लक्ष्मी बह रही हो तो थोड़ा थोड़ा उसमें से जोड़कर और संयम रखकर उतना खर्च करें जितना आवश्यक है आवश्यक में भी अत्यावश्यक क्योंकि तीन चीज़ें जरूरी होती हैं कि आप जो कुछ धन का उपयोग कर रहे हैं वो आपके लिए नेसेसरी है या कंफर्ट उससे आप प्राप्त कर रहे हैं या लग्जरी के लिए प्रयोग कर रहे हैं एक चीज़ होती है जिसको आप नेसेसरी कहेंगे आवश्यक है ये तो करना ही पड़ेगा खर्च करना ही पड़ेगा जहाँ बहुत ज़रूरी है वो नेसेसरी है जहाँ आप नेसेसरी को आवश्यक को खर्च कर लेते हैं उसके बाद में एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि थोड़ा सा अपना कंफर्ट भी देखना है थोड़ा अपना आराम भी देखना तो नेसेसरी के बाद ही कंफर्ट का प्रयोग होना चाहिए लेकिन लोग जो है फिर लग्जरी में चले जाते हैं लक्ष्मी दिखाने के लिए पता लगना चाहिए गाड़ी चाहिए आपको तो जितनी आपको सुविधा हो और जितनी नेसेसरी वाली बात हो वहाँ तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद आदमी एक दो करोड़ लगा करके और वो वाली गाड़ी ले कि देख कर के लोगों को पता लगे कि इसके पास में करोड़पति हो गया है घड़ी आपके हाथ में बंधी हुई हो अच्छी बात है लेकिन कोई आदमी पचास लाख की घड़ी बांधे ऐसे फोन हैं आजकल सेल फोन जो अट्ठारह लाख से लेकर के बीस बाईस लाख तक के भी हैं उससे महंगे भी हैं और जबकि सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल जाती है लेकिन प्रदर्शन करना है ना वे लोग भी हैं जिनकी एक कप चाय की कीमत पचास हजार रुपये होती है मतलब तीन गोट पिए पचास हजार खर्च उससे भी आगे वाले लोग हैं तो आप कितने कंफर्ट से चल करके और लग्जरी में पहुंच जाएं, तो ये लक्ष्मी जी का अपमान है जब आप लक्ष्मी का इस तरह से प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो आकर चली जाए और आगे चलकर कर कहाँ पहुँचा दे इस जन्म में या अगले जन्म में तो कहते हैं कि चल संपदा आती हो तो अचल की का ध्यान रखना चाहिए और फिर इसे एक आदत है लक्ष्मी माता को वो प्रसन्न होती है नारायण के चरण दबाकर। कर तो भगवान के चरणों के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो लक्ष्मी आपको प्रसन्नता देती है और अगर आप प्रयोग करने से पहले भगवान को भोग नहीं लगाते तो फिर वो संपदा आपके लिए लाभकारी नहीं होती इसलिए कहते हैं लक्ष्मी माता शक्ति का ही रूप है उसे नमन करना चाहिए अगली बात है वह शक्ति वृत्ति रूप से भी व्यक्ति के अंदर बैठी हुई है वृत्ति कैसी है प्रवृत्ति कैसी है किसी व्यक्ति की वृत्तियाँ कैसी हैं उसकी प्रवृत्ति किस और है शक्ति इस रूप में भी काम करती है अगर आपकी प्रवृत्ति ठीक है सही जगह प्रवृत्त हैं आप तो ये शक्ति आपके कल्याण करने वाली है लेकिन अगर इसका दुरुपयोग आप करते हैं तो दुष्प्रवृत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता आदमी की प्रवृत्तियाँ उसकी आँखों से झाँगती हैं उसके व्यवहार से पता लगती हैं और उसके हाव-भाव से भी पता लगती हैं तो ये अपने आप में शक्ति है लेकिन इसका सही उपयोग होना चाहिए आगे फिर कहा गया है या देवी सर्वभूतेशु स्मृति रूपेण संस्थित आपकी याददाश्त भी एक शक्ति है इसका उपयोग इस रूप में किया जाता है ज़्यादातर तो आप देखते हैं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादातर चीज़ें रटाई जाती हैं स्मरण कराई जाती हैं और बचपन से जो याद कर लिया जाता है ज़िंदगी भर काम आता है वो याद किया हुआ हिसाब किताब वो आपको हर जगह लाभ देता है याद किए हुए गुणसूत्र आपको याद कर लें आप फार्मूला याद कर लें जिंदगी भर आपको वो लाभ देते हैं अच्छी स्मृतियाँ आपको लाभ देती हैं अच्छा स्मरण किया हुआ है वो आपको लाभ देता है और जब स्वयं की स्मृति आ जाए तो ये सबसे बड़ी शक्ति है जिसको अर्जुन ने ये कहा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई मतलब अब मुझे मेरी याद आ गई व्यक्ति को अपनी याद आ जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और ये बात ध्यान रख लीजिए जब आपके पास सुख की स्मृतियाँ रहती हैं वो आपको आगे ले जाती हैं लेकिन दुख को भी इस रूप में याद कर लेना चाहिए क्योंकि कभी अहंकार आने लग जाए तो उस समय ये याद कर लेना चाहिए कि स्थितियाँ बदलने में देर नहीं लगती कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि जब हमें सब कुछ मिल रहा होता है और हम सोचते हैं ऐसे ही दिन आगे तक भी रहेंगे लेकिन ऐसा संभव नहीं है दिन बदलने में देर नहीं लगती इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी संपदा ये आवश्यक है आपके लिए लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये सदा ऐसे नहीं रहती एक समय ऐसा होता है कहते हैं ना एक समय है बोने का और एक समय होता है फसल काटने का कभी कभी होता है जीवन में आपको सिर्फ़ बोना ही होता है उस समय आपको मिल कुछ नहीं रहा होता जो बीज अपने घर में रखे हैं वो भी जाके बोने पड़ जाते हैं आपको वो समय लग रहा हो का दे ही देते दे देते ही जा रहे हैं लेकिन वो दिया हुआ दिया हुआ आपका बेकार नहीं जा रहा वो आप बो रहे हैं और एक समय आएगा जब आप उसको काटेंगे उसकी फसल मिलेगी आपको तो शुभ को बोने में पीछे नहीं रहना चाहिए अच्छी स्मृतियाँ स्वयं का ज्ञान अच्छी प्रवृत्ति लक्ष्मी संपदा को देने वाली बनती है तो ये समय आप सबके लिए मंगलमय हो और ये नवरात्र आप सबके जीवन में सुख समृद्धि देने वाले बने ऐसी में मंगल कामना करता हूँ आप सबको बहुत बहुत बधाई